हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 9 के पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन 7 टॉम लूजेज अ टूथ का क्वेश्चन आंसर किया था। इस वीडियो में हम लोग लेसन 8 हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओ'फ्लाहर्टी पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने क्लास 9 का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने पिछले वीडियो का लिंक आई बटन पर दे दिया है, आप लोग आई बटन पर क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। टेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। हिज फर्स्ट फ्लाइट का मतलब होगा उसकी पहली उड़ान। ये एक नन्हे सीगल की कहानी है। सीगल एक समुद्री चिड़िया, एक समुद्री परिंदा होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। लियाम ओ'फ्लाहर्टी 1896 टू 1984 वाज अ सिग्निफिकेंट आयरिश नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। लियाम ओ'फ्लाहर्टी का जन्म 1896 में और उनकी मौत 1984 में हुई। वो आयरलैंड के एक महत्वपूर्ण, एक नुमाया, एक ख़ास नॉवलिस्ट थे और वो एक छोटी कहानियों के लेखक थे एंड अ मेजर फिगर इन द आयरिश लिटरेरी रेनेसा। मतलब आयरलैंड में जो साहित्यिक नवयुग की शुरुआत हुई थी, आयरलैंड में जो इल्म अदब के नए दौर की शुरुआत हुई थी, उसमें लियाम ओ'फ्लाहर्टी का एक अहम किरदार था, उनकी एक अहम भूमिका थी। His most famous books include The Informer, Return of the Brute, House of Gold, etc. The Informer, Return of the Brute, House of Gold, इत्यादि वगैरह उनकी सबसे मशहूर किताबें हैं। His First Flight, a short story which symbolizes the nervousness one experiences before doing something new, is regarded as one of his most famous works. His First Flight एक छोटी कहानी है जो कुछ नया करने से पहले महसूस की जाने वाली घबराहट को जाहिर करती है। ये कहानी लियाम ओ'फ्लाहर्टी के सबसे मशहूर कामों में से एक है। The following text is an abridged version of this short story. Is about a young seagull and his experience of learning how to fly. ये टेक्स्ट जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये इस कहानी का एक छोटा, एक मुख्तसर वर्जन है। ये कहानी एक नन्हे सीगल और उसके उड़ना सीखने के अनुभव, उसके उड़ना सीखने के तजुर्बे के बारे में है। The story focuses on how fear must be conquered before one may achieve anything of significance, like the young seagull who had to be brave in order to fly. ये कहानी इस बात पे जोर देती है कि किस तरह कुछ भी महत्वपूर्ण, कुछ भी खास करने से पहले डर पे काबू पा लेना चाहिए, जिस तरह से नन्हे सीगल को उड़ना सीखने से पहले बहादुर बनना पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। नन्हा सीगल अपने लेज पे अकेला था। पहाड़ का बाहर की तरफ निकले हुए हिस्सा को लेज कहा जाता है। इसे हम लोग पहाड़ का शेल्फ या पहाड़ का छज्जा भी कह सकते हैं। तो नन्हा सीगल पहाड़ के शेल्फ पे अकेला था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. यानी उसके दो भाई और उसकी बहन पिछले ही दिन उड़ करके चले गए थे। He had been afraid to fly with them. लेकिन इस नन्हे परिंदे को उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था। When he had run forward to the brink of the ledge, he became afraid. जब नन्हा परिंदा दौड़ करके लेज के किनारे पहुंचा तो वो डर गया। नन्हा परिंदा लेज के किनारे पहुंचने पे क्यों डर गया? The great expanse of the sea stretched down beneath.
नन्हा परिंदा जब लेज के किनारे पहुंचा तो वो डर गया, क्योंकि नीचे विशाल समंदर फैला हुआ था। एंड इट वॉज माइल्स डाउन, और समंदर पहाड़ के शेल्फ से, पहाड़ के छज्जे से मीलों नीचे था, जिसकी वजह से जब छोटे सीगल ने अपने छज्जे से समंदर को देखा तो वो डर गया और वो उड़ने की कोशिश ही नहीं कर पाया। He felt certain that his wings would never support him. नन्हे परिंदे को पक्का विश्वास था, उसे पक्का यकीन था कि उसके पंख कभी उसका साथ नहीं देंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole where he slept at night. तो लिहाजा नन्हे परिंदे ने क्या किया, नन्हे परिंदे ने अपने सर को झुका करके वापस दौड़ करके उसी छोटे से बिल में चला गया जहां पर वो रात को सोया था। His father and mother had come around calling to him shrilly. उसके माता पिता जोर जोर से उसे पुकारते हुए उसके करीब आए थे, उसके नज़दीक आए थे। But for the life of him, he could not move. लेकिन नन्हा परिंदा अपनी जान बचाने के लिए अपनी जगह से हिला ही नहीं, उसने वहाँ से हरकत ही नहीं की। उस परिंदे को ये डर था कि अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो वो नीचे समंदर में गिर के मर जाएगा, तो लिहाजा इसी डर से परिंदे ने उड़ने की कोशिश ही नहीं की। That was 24 hours ago. ये सब 24 घंटे पहले हुआ था। Since then nobody had come near him. और तब से कोई भी नन्हे सीगल के पास नहीं आया था, यानी नन्हा सीगल 24 घंटे से अपने लेज पे अकेला था। The day before he had watched his parents flying about with his brothers and sister. पिछले दिन परिंदे ने अपने माता पिता को उसके भाइयों और उसकी बहन के साथ उड़ते हुए देखा था। They were teaching them the art of flight and how to dive for fish. उसके माता पिता उसके भाइयों और उसकी बहन को उड़ने की कला सिखा रहे थे और वो लोग उन्हें ये सिखा रहे थे कि मछली पकड़ने के लिए कैसे गोता लगाया जाता है, मछली पकड़ने के लिए कैसे डुबकी लगाई जाती है। He had seen his elder brother catch his first herring while his parents circled around proudly. उसने अपने बड़े भाई को उसकी पहली मछली पकड़ते हुए देखा था, और जब उसका बड़ा भाई अपनी पहली मछली पकड़ रहा था तो उसके माता पिता गर्व से, उसके माता पिता फख्र से उसको घेरे हुए थे। The sun was now ascending the sky, blazing warmly on his ledge that faced the south. सूरज आसमान पे चढ़ रहा था और उसका लेज जो दक्षिण की ओर था, उसके लेज पे सूरज तेज चमक रहा था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. परिंदे को सूरज की गर्मी महसूस हुई क्योंकि परिंदे ने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। Now there was not a single scrap of food left in the straw nest. अब भूसे के बने हुए घोंसले में खाने का एक टुकड़ा भी बचा हुआ नहीं था। His little grey body trotted back and forth on the ledge. उसका नन्हा शरीर लेज के ऊपर कभी पीछे जाता, कभी आगे आता। मतलब नन्हा परिंदा भूखा था, वो टेंशन में अपने लेज के ऊपर आगे पीछे कर रहा था। He was trying to find some means of reaching his parents without having to fly. वो बिना उड़े अपने माता पिता के पास पहुंचने का कोई साधन ढूंढ रहा था। वो बिना उड़े अपने वालदेन के पास पहुंचने का कोई जरिया तलाश कर रहा था। But on each side of him, the ledge ended in a sheer fall with the sea beneath. लेकिन उसके हर तरफ गिरने की आशंका थी, उसके हर तरफ गिरने का खतरा था और नीचे समंदर था। He could surely reach them without flying if he could only move northwards along the cliff.
वो यकीनन अपने माता पिता के पास बगैर उड़े पहुंच सकता था अगर वो पहाड़ के उत्तर की तरफ जा पाता। बट देन ऑन वाट कुड ही वॉक, लेकिन उत्तर की तरफ जाने के बाद वो चलता किस चीज़ पे? देयर वॉज नो लेज एंड ही वॉज नॉट अ फ्लाई, उस तरफ कोई लेज नहीं था, उस तरफ कोई सेल्फ कोई छज्जा नहीं था और वो एक मक्खी नहीं था जो उड़ करके उस तरफ चला जाता। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, उसके बाद नन्हे परिंदे ने आहिस्ता आहिस्ता लेज के किनारे की तरफ कदम बढ़ाया। ही स्टूड ऑन वन लेग विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, वो अपने एक पैर के ऊपर खड़ा हो गया अपने दूसरे पैर को अपने पंखों के नीचे छुपा करके। क्लोजिंग वन आई एंड देन द अदर ही प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, एक आंख को बंद करते हुए फिर दूसरी आंख को बंद करते हुए उसने सोने का नाटक किया। स्टिल हिज पेरेंट्स टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसके माता पिता ने उस पर ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau. उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को प्लेटू के ऊपर, उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को पठार के ऊपर पड़े हुए देखा। इस लेसन का बाकी हिस्सा हम लोग क्लास 9 के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।